बजट पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी। अनुप्रिया जी, जो ये बजट आया है युवाओं को केंद्रित किया गया है, कौशल विकास की इसमें बात की गई है, रोजगार की इसमें बात है, महिलाओं को लेकर है, 2047 के विकसित भारत की बात इसमें की गई है, आप कैसे देखते हैं इस बजट को? पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। 7वीं बार लगातार उन्होंने देश का बजट प्रस्तुत किया है संसद में, और हमारे देश की जो आबादी है 65% से अधिक युवा है, 35 वर्ष से कम आयु के, और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के बहुत सारे प्रयास इस बजट के माध्यम से हुए हैं। हमारी सरकार आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए टॉप 500 कंपनीज़ में भेजने जा रही है, मौका देगी इसका। इसके साथ ही युवाओं के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया गया है, 20 लाख के करीब युवाओं का प्रशिक्षण किया जाएगा, और उच्च शिक्षा के लिए जो युवा हमारे एजुकेशन लोन्स लेते हैं उसमें भी लगभग 3% के इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की गई है। साथ ही अगर हम देखें तो सरकार ने मुद्रा योजना के अंतर्गत जो तरुण स्कीम थी उसमें 10 लाख से बढ़ोतरी करके 20 लाख किया है, और जो MSMEs हैं ग्रास रूट पे जिनके माध्यम से रोजगार सृजन होता है, MSMEs के लिए की भी एक अलग योजना लेकर सरकार आई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो युवाओं के लिए सरकार ने बेहतर इसमें प्रावधान किए, साथ ही महिलाओं से जुड़े हुए जितने स्कीम्स हैं उसके लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। तो सरकार ने जो पहले भी कहा था कि युवा, महिला, किसान और गरीब ये हमारे स्तंभ हैं, इसी पर सरकार काम कर रही है। कृषि में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, वेजिटेबल क्लस्टर्स बनाना या डिजिटल क्रॉप सर्वे करना, और गरीबों के लिए जैसे PMGSY के अंतर्गत 25,000 के करीब नई बसावट है जिनको जोड़ने की सरकार ने कोशिश की है, या 3 करोड़ नए आवास बनाए जा रहे हैं, या PM सूर्य घर योजना के तहत करोड़ों लोगों को रूफटॉप सोलर योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। तो ये सारे प्रयास अगर हम कुल मिलाकर देखें तो हमारे जो 4 पिलर्स हैं सरकार के, उनके भविष्य को उज्जवल करने के लिए बनाया गया है। संसद टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।